सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी मोबाइल के वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो बिना उसके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे मोबाइल में आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, फिर भी आप उसकी वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ओके। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी हैकिंग शैकिंग के पर्पज से नहीं है। यहाँ पर आपको मोबाइल का एक फंक्शन बताया जा रहा है और आपको ये फंक्शन उसी के साथ यूज करना है जो जिसको आप जानते हो या फिर वो आपके छोटे बच्चे हो, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे दूसरे के मोबाइल के हम बिना कोई एप्लीकेशन डाले उसके फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ओके। तो आपको पता होगा एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है गूगल फोटो। गूगल फोटो एक गूगल की एप्लीकेशन है जो कि सभी मोबाइल में मोबाइल कंपनियां ऑटोमेटिक उसको डालकर भेजती है, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है अपने मोबाइल में जिसका नाम है गूगल फोटो। ये आपके मोबाइल में जरूर मिलेगी, इसको ऑटोमेटिक कंपनी डालकर भेजती है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है अपने मोबाइल में गूगल फोटो और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गूगल फोटो को, ओके। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर के साइड तीन लाइन बनी रहती है, तीन लाइन पर टच करेंगे और अब थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर उस मोबाइल की, जिस मोबाइल को आप टारगेट कर रहे हो उसकी ईमेल आईडी होगी डली हुई ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिमूव एक्टिवेट अकाउंट कर देना है या फिर आप यहाँ पर रिमूव एक्टिवेट अकाउंट को रिमूव भी नहीं करेंगे और यहाँ से ऐड अकाउंट पर जाएंगे और ऐड अकाउंट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ईमेल आईडी डालने से ही काम नहीं चलेगा, आपको और भी सेटिंग ध्यान से देखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और यदि आप चाहते हो उसका अकाउंट को रिमूव करना तो यहाँ से उसका अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप उसको रिमूव भी नहीं करेंगे और यहाँ से ऐड अकाउंट पर जाकर अपनी ईमेल आईडी डाल लेंगे, ओके। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद आपको फिर दोबारा से इसी तीन लाइन पर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे से ऊपर के साइड तीसरे नंबर पर जिसका नाम होता है सेटिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, सेटिंग पर टच करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद सबसे पहली सेटिंग है बैकअप एंड साइनक्रोनाइज, इसको यहाँ से ओके करेंगे और इसको यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद अब आपको इसमें कुछ सेटिंग का ध्यान रखना है। सबसे पहली सेटिंग है इसमें बैकअप डिवाइस फोल्डर, तो यहाँ पर बैकअप डिवाइस फोल्डर पर ओके करेंगे और यहाँ से ये सारे फोल्डर ऑन कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है ये सारे फोल्डर आपको ऑन कर देने हैं, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप बैक चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऑन करने के बाद आप बैक चले जाएंगे। ये सारे फोल्डर ऑन करने के बाद दूसरी सेटिंग है अपलोड साइज, ये अगर आपने नहीं करी तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी डाटा। तो आपको ध्यान रखना है इस सेटिंग में आपको हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज पर ओके करना है, ओके। अपलोड साइज में हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज रखना है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग है मोबाइल डाटा बैकअप, तो यहाँ से आपको फोटो लेने हैं तो फोटो पे ओके कर देंगे और वीडियो भी चाहिए तो वीडियो भी ओके कर देंगे, ओके। फोटो और वीडियो दोनों को ओके कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है वैन टू बैकअप व्हाइल चार्जिंग ओनली, तो इसको आप बंद रखेंगे और यदि वो बंदा आपका रोमिंग में जाता है कभी कभी तो रोमिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ओके। लेकिन व्हाइल चार्जिंग ओनली वाला ऑप्शन हम बंद रखेंगे। इसके बाद बैक जाएंगे और फिर यहाँ पर एक सेटिंग आपको मिलेगी बैक जाने के बाद गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव वाले सेटिंग आपको बंद रखनी है, खोलनी नहीं है। इसके बाद मिलेगी कैमरा शॉर्टकट, कैमरा शॉर्टकट वाली सेटिंग बिल्कुल भी नहीं खोलनी है, इसको बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों सेटिंग बंद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है एक सेटिंग मिलेगी नोटिफिकेशन, नोटिफाई ऑन दिस डिवाइस, तो ये सेटिंग बाई डिफॉल्ट ऑन रहती है, आपको ये बंद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और इतना काम करने के बाद आपको मोबाइल अपना छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी उस मोबाइल के कैमरे से कोई भी फ़ोटो खींचेगा वो फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक उसका बैकअप यहाँ पर फोटोज एप्लीकेशन के अंदर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब किसी और भी किसी के भी मोबाइल में या किसी दूसरे भी मोबाइल में या फिर कंप्यूटर पर भी जाकर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल फोटो। जैसे ही आपने यहाँ पर सर्च किया गूगल फोटो तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी जिसका नाम होगा
photos.google.com आप इस वेबसाइट को ऑन कर लेंगे ओके। और जब आप इस वेबसाइट को पहली बार ऑन करते हो तो आपको इसमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो आपको इसमें वो ईमेल आईडी डालनी है जो ईमेल आईडी आपने उस वाले मोबाइल में डाली थी, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर गूगल फोटोज ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने मेरे मोबाइल का सारा बैकअप है वो नीचे की साइड गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको उस मोबाइल के सभी वीडियो और फोटो यहाँ पर मिल जाएगी, ऊपर की साइड इसमें भी आपको तीन लाइन मिलेगी, यहाँ से आप सारा डाटा जो है फिर उसका चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी शानदार है, शेयर योर लाइब्रेरी। यदि आप चाहते हो कि इसको किसी और के साथ भी शेयर करना है तीसरे पर्सन के साथ, तो उसको सिर्फ आप एक बार यहाँ से एक लिंक भेज देंगे और जैसे ही वो उस लिंक को बार बार ओपन करेगा वो भी आपके दोनों के मोबाइल को ट्रैक कर पाएगा, ठीक है। तो बड़े ही कमाल की चीज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।